अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया, 4.5 किलो वजन घट गया, 4.5 किलो वजन घट गया। केजरीवाल के वजन को लेकर आतिशी ने हाय तौबा मचा रखी। वजन कम होने को लेकर आतिशी इतनी हमलावर हैं कि वो धमकी दे रही हैं कि अगर हिरासत में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कुछ होता है तो भगवान और ये देश माफ नहीं करेगा। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा, 1 बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। आतिशी जी, पूरे देश को मालूम है कि शराब घोटाले में तिहाड़ पहुंचे दिल्ली के माननीय सीएम को शुगर की बीमारी है। जिसे नहीं मालूम, आपके हल्ले से उन्हें भी अब पता लग गया है कि दिल्ली की गद्दी को संभालने वाले अरविंद केजरीवाल इस गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि जब सीवियर होती है तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। डायबिटीज का असर इंसान के हार्ट पे भी पड़ता है, किडनी पर भी पड़ता है, आंखों पर भी पड़ता है, पूरे नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। अगर किसी सीवियर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल 50 के नीचे गिर जाए तो उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। किसी भी डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल कभी 80 से नीचे आने नहीं दिया जाता। आतिशी, केजरीवाल के तिहाड़ जाने के बाद से बौखलाई हुई है। इस बौखलाहट में वो ऐसे ऐसे आरोप लगा रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं। शराब घोटाला हुआ है, उसकी जांच हो रही है। जांच की प्रक्रिया में ईडी ने हर उस इंसान को गिरफ्तार किया जिसका इस घोटाले से कनेक्शन है। लेकिन आतिशी को दिल्ली की जनता को ये बताना है कि उनके केजरीवाल महान हैं, ईमानदार हैं और सच्चे देशभक्त हैं। इतने बड़े देशभक्त की अपने स्वास्थ्य को भी ताक पर रख दिया और देश सेवा में जुटे रहे। इतनी बीमारी के बावजूद भी आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी डायबिटीज को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी देश के सेवा में कभी अड़चन नहीं डालने दी है। चाहे अनशन पे बैठना हो, एक बारी वो सुंदर नगरी में अनशन पे बैठे, एक बार जंतर मंतर पे अनशन पे बैठे, अपनी देश की सेवा में कभी भी उन्होंने आज तक स्वास्थ्य को अड़चन नहीं बनने दिया है। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। 4.5 किलो वजन का कम होना सहानुभूति बटोरने का जरिया हो सकता है। कस्टडी में 3 बार शुगर लेवल का गिरना ईडी को कटघरे में खड़े करने का जरिया हो सकता है। आपकी जुबान है, वहां तक जा सकती है जहां तक आप इसे ले जाना चाहें। पब्लिक सब जानती है, उसे मालूम है 4.5 किलो वजन की थ्योरी आपके केजरीवाल को पाक साफ नहीं बना पाएगी। आप हमला करते रहिए। संविधान में आरोपियों से कैसे निपटा जाता है उसके कायदे कानून बने हैं। आरोप लगेगा तो अदालत भी लगेगी, केस भी चलेगा, गिरफ्तारी भी होगी और जमानत भी मिलेगी। भाई, आपके सत्येन जैन जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, ताजे ताजे केजरीवाल भी जेल में गए हैं, लेकिन 6 महीने की जेल के बाद संजय सिंह जमानत पर भी तो लौटे हैं। लेकिन आप हैं कि हर एक्शन के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी आतिशी, लेकिन आप बोलिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आप हमला करती हैं, उसी व्यवस्था ने आपको बोलने की आजादी दे रखी है। पूरा देश आज उन्हें देख रहा है।
आज देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस लगाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, जहां आज उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना कोई नॉर्मल बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को कुचलने के लिए, आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।